डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम और फिर क्या है टेलरियम, एक और एलिमेंट भी होता है पोलोनियम, उसके लिए हम ये स्टडी नहीं कर रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो हाइड्राइड्स जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड जो ऑक्सीजन बनाता है वो तो क्या है H2O, इस केस में H2S हो जाएगा, इस केस में H2SE और H2TE। तो इनके बॉन्ड एंगल्स वगैरह जो हैं वो आपने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिए थे। अभी हमने इन हाइड्राइड्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वोलेटिलिटी, मींस कि ये सब वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो ये सब गैसियस स्टेट में, ये वाले तो गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट्स या वोलेटाइल नेचर, ये दोनों एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में रहता है। तो आपको पता है कि H2TE का साइज सबसे ज़्यादा है, तो साइज बड़ा होने से क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो इसको अगर आप ग्राफ से प्लॉट करते हैं इस टाइप से कि इधर हम मॉलिक्यूलर मासेस लेते हैं और इस साइड लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है कि ये H2S का साइज छोटा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उससे ऊपर आप ले लेंगे H2SE और H2TE का साइज बड़ा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि H2O जो मॉलिक्यूल है इनमें सबसे स्मॉलर साइज का है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होना चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होना चाहिए, लेकिन उसका तो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। तो वाटर में ऐसा क्या है जो बाकी मॉलिक्यूल्स में नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बनता है जिसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के सभी मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पता है कि वाटर जो है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, और इन सब में क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, साइज बड़ा होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो सब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम होना चाहिए था साइज छोटा होने की वजह से, तो वो जो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा आपको इसमें लिखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले वाटर से H2S तक डिक्रीज होता है, उसके बाद जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये ऑर्डर जो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का, आपको इस पर्टिकुलर केस में ऐसा लिखना पड़ेगा कि H2O से H2S तक डिक्रीज होगा, उसके बाद फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो H2SE H2TE। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि वो क्वेश्चन भी आता है, एक ये वाला क्वेश्चन तो आप इसमें से समझ ही होंगे कि वाटर जो है दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट ऑल अदर आर गैसेस, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीज़न ही आपको लिखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन चारों में से क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इनमें किसका होने वाला है, तो वो उसका आंसर होगा H2S। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट और इनकी वोलेटाइल नेचर के बारे में आपको पढ़ना है, और बाकी की प्रॉपर्टीज हम आगे करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हीट। तो अगर एक मॉलिक्यूल को हीटिंग से ब्रेक किया जाए तो किसकी स्टेबिलिटी इसमें सबसे कम है, मींस कि कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो अगर H2TE की बात करें तो इसमें क्या है कि सेंट्रल एटम का साइज जो है हाइड्रोजन एटम के कंपेरेटिवली बहुत लार्ज है, तो इस तरह से हीटिंग से ये मॉलिक्यूल सबसे जल्दी ब्रेक होता है। तो इससे क्या होता है कि ये थर्मल स्टेबिलिटी इसकी जो है वो सबसे कम रहती है।
क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है इस बॉन्ड की मिनिमम हो जाती है, साइज जो है अनसिमेट्रिकल होने से कि एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ये आपको नोट करना है कि जैसे जैसे हम इसमें हाइड्राइड्स में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम द स्ट्रेंथ ऑफ एम एच बॉन्ड डिक्रीजेज। एम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरह से ये ऑर्डर आपको नोट कर लेना है थर्मल स्टेबिलिटी का। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एसिडिक करेक्टर की। एसिडिक करेक्टर उसी का ज़्यादा होता है जो जल्दी एच रिलीज कर सकता है एक्वा सोल्यूशन में। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इट मीन्स कि एच देने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो एसिडिक करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरह से एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, H2O सबसे कम, तो ये तो एसिडिक ही नहीं है, न्यूट्रल है। और इस तरह से ये H2S को स्लाइटली एसिडिक आप कह सकते हैं, हालांकि इसकी भी एच देने की टेंडेंसी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो H2T ही जो है ये ज़्यादा एसिडिक करेक्टर आपको शो करेगा। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर रहेगा इस टाइप से। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये है रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर मीन्स कि जो दूसरे की रिडक्शन कर दे, तो जो जल्दी एच दे सकता है तो वही दूसरे की रिडक्शन कर सकता है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि वो क्या है, वो भी एच देने की टेंडेंसी से रिलेटेड ही है। तो इस तरह से रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर भी आपको नोट कर लेना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना थर्मल स्टेबिलिटी को, एसिडिक करेक्टर को, या रिड्यूसिंग करेक्टर को, या सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट बताया था, तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हाइड्राइड्स की आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, मींस कि हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट इसलिए क्योंकि सेकंड पॉइंट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्राइड वाला था, और उससे पहले था केमिकल रिएक्टिविटी जो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। तो ये हैलोजन के साथ जो 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन फ्लोरिन के साथ बनाता है OF2, क्लोरिन भी ऑक्सीजन के साथ Cl2O7, और ब्रोमीन का Br2O I2O5। इस तरह से सल्फर की बात करें तो ये हैलोजन के साथ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है SF4, SF6, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और Cl2S2, Cl2S2, Br2SCF4 एटसेट्रा। तो ये हैलोजन के साथ कंपाउंड होते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो स्टडी करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ SF6 बना के दिखा देता हूँ, एक बाकी दो तीन और अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये आप नोट कर लीजिए कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा SF6 का। तो इसमें हाइब्रिडेशन देखनी पड़ेगी सल्फर का। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आपको परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डी ऑर्बिटल भी हैं। तो लास्ट शेल की अगर बात करें हम, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में 1 2 3, पी के ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और 3d खाली है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये कॉन्फिगरेशन आपको सल्फर की ग्राउंड स्टेट में बनानी है। और जो है 6 अगर फ्लोरीन लगाने हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपके लिए बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर चला जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे। ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, 1s 3p और 2d। तो इन सब के साथ फ्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिटल है 2pz1, तो फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन बना के देखेंगे तो लास्ट में उसमें हाफ फिल्ड जो है वो 2pz1 होगा, वो इन सब के साथ ओवरलैप कर जाएगा। और इसकी जो शेप बनती है sp3d2 हाइब्रिडेशन के बेस पर, वो रहती है ओक्टाहेड्रल। तो ओक्टाहेड्रल कैसे होती है, तो ये एक प्लेन में ऐसे सेंटर में सल्फर होता है और फ्लोरीन जो है ये 90-90 के एंगल पर इसमें अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे इस टाइप से। तो इस टाइप की शेप को ओक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। तो ऐसी शेप होती है SF6 की। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको स्टडी करना है, और बाकी के स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं।
सेकंड नंबर पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SF4। सल्फर ये टेट्राफ्लोराइड है और ये जो अभी देखा था ये हेक्साफ्लोराइड था। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आती है 3s2, 3p4 और 3d खाली। तो इस केस में जब एक्साइटेड स्टेट आप बनाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपको 4 ही जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन ही हम आगे लेकर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। और जो हाइब्रिडेशन होगी अब की बार वो क्या रहेगी, sp3d1। तो लिखते नहीं है तो आपको यहाँ पे sp3d हाइब्रिडेशन लिखनी है, एक s ऑर्बिटल, 3p और एक d। तो इस हिसाब से sp3d के हिसाब से इसकी शेप को आप pcl5 से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे आपने pcl5 की शेप बनाई थी पहले, वो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल थी इस टाइप से, तो वहाँ पर तो 5 Cl थे लेकिन यहाँ पर तो क्या है, 4 हेलोजन है, फ्लोरिन है और एक रहेगा लोन पेयर। तो इसमें एक जगह पर आप लोन पेयर और बाकी जगह पे फ्लोरीन लगाएंगे सिर्फ 4 जगह पर। तो SF4 की शेप जो है वो कैसे बनेगी ये आपको देखना है। इस टाइप से इसको बना सकते हैं, यहाँ पे आप S लेंगे और ये फ्लोरीन लेंगे और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे तो लेना ही है। और एक जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हाइब्रिडेशन आपको sp3d लिख देनी है। तो अगर यहाँ पर भी कोई एटम होता तो फिर इसको ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बोल सकते थे, ये उस जैसा है पर एग्जैक्टली ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल नहीं है। तो इसके जो शेप है उसको बोलते क्या है वो आपको याद रखना है। इस केस में इसको आप ऐसे अगर टिल्ट कर दें तो ये कुछ इस टाइप से शेप हो जाती है सल्फर की, इस टाइप से। ये फ्लोरीन ऊपर नीचे वाले जो हैं ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और यहाँ पे एक लोन पेयर है तो इसको एक ट्रायंगुलर शेप दीजिए। तो ये जैसे पार्क में झूल बच्चे बैठते हैं इस तरह का झूला लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीसा। तो ये सीसा ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है विच कंपाउंड हैव सीसा टाइप ज्योमेट्री, तो उसका आंसर होता है SF4। तो SF4 का जो स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिडेशन है, और ये शेप आपको ठीक से बना लेनी है कि इसका नाम क्या है, तो ये आपको लर्न करना है। इसके अलावा आपको SCl2 और S2Cl2 के स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेने हैं। SCl2 का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है जैसे आपने वाटर का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर भी होते हैं तो उस टाइप से, और ये एंगल जो है 103 डिग्री अप्रोक्सीमेट रहता है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको लर्न कर लेना है। और ये जो S2Cl2 है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है कि यहाँ पर एक Cl आ जाता है और एक Cl नीचे आ जाता है, और ये एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको नोट कर लेने हैं। उसके अलावा ये जो सल्फर के हेलोजन के साथ कंपाउंड होते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको आगे स्टडी करने हैं। सल्फर के हैलाइड से रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टेट्रा हैलाइड्स कैन एक्ट एज ल्यूस बेस एज वेल एज ल्यूस एसिड। जो टेट्रा हैलाइड होते हैं जैसे कि SF4 की बात करते हैं, तो ये ल्यूस बेस का भी काम करता है, ल्यूस एसिड का भी काम करता है। तो आपको समझना है कि वो कैसे इस तरह से एज ए बेस एज वेल एज एसिड एक्ट करता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो ल्यूस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो प्लस वन में 7th चैप्टर जो था इक्विलिब्रियम का, उसमें इस कंसेप्ट का जिक्र किया हुआ है। तो वहां पर आपने ये भी सुना होगा कि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। आप देखिए बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन से शेयर करेगा तो 6 हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इट मींस कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो तो ल्यूस एसिड होता है, और जो लोन पेयर दे सकता है तो वो होता है ल्यूस बेस। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो ये मैंने SF4 लिखा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा BF3 को, तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से बनता है। तो इसमें यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो ल्यूस बेस है। तो SF4 ल्यूस बेस का काम कर रहा है, और ये ल्यूस एसिड का काम कैसे करता है वो भी आपको समझना
लेना है। तो ये यहाँ पे मैं 2 फ्लोराइड आयन लेता हूँ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के पास कुछ वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी आप आगे करेंगे, तो ये SF6 हो जाता है और 2 नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुई है, इसमें SF4 ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, मींस कि लिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लियोस एसिड का काम कर रहा है। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है कि SF4 जो है दैट एक्ट एज ए लियोस बेस एज वेल एज ए लियोस एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपको जरूर लर्न कर लेना है। और सेकेंड पॉइंट जो है वो है SF4 इज ईजीली हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 इज़ नॉट। इसका मतलब है कि SF4 की तो वाटर से रिएक्शन जो है वो ईजीली हो जाती है, लेकिन SF6 की नहीं होती है। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं और फिर इसका रीज़न आपको नोट करना है कि इसकी ईजीली क्यों हो जाती है और इसकी क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं ये 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा और आगे SO2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल में देकर इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन SF6 में भी जो सल्फर है उसके पास भी तो वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं, उसकी अगर वाटर से रिएक्शन करें तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं नो रिएक्शन, मींस कि वो रिएक्ट नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं कर पाता है, तो ये नोट करना है कि सल्फर के जो चारों तरफ 6 फ्लोरीन होते हैं वो उसको वाटर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इसको अटैक करने से रोकते हैं अपने वो ग्रुप के साइज के अकॉर्डिंग। मतलब ये यहाँ पर ये मीनिंग हुआ इसका कि वो फ्लोरीन जो हैं वो इतने सारे लग जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें कहीं वाटर को अटैक करने की जगह नहीं मिलती है, तो इस तरह से उसको रुकावट पैदा करते हैं। तो उसको हम बोलते क्या हैं, तो इट इज़ ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ये वर्ड ऑर्गेनिक में काफ़ी यूज होता है कि जब कोई अपने साइज की वजह से, हालांकि उसका साइज छोटा है लेकिन 6 फ्लोरीन मिला के काफ़ी जगह वो कवर कर लेते हैं और वाटर वहाँ पर अटैक नहीं कर पाता, तो आपने यही कहना है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 6 फ्लोरीन एटम वाटर कैन नॉट अटैक, देयरफॉर SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाई वाटर बट SF4 इज ईजिली हाइड्रोलाइज। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर नोट करना है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो हैं, जैसे सल्फर है या सेलेनियम टेलेरियम वगैरह, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे SO2, SO3, S2O3, SE जो सेलेनियम है ये ट्राईऑक्साइड बनाता है, टाइटेनियम भी ऑक्साइड बनाता है, TeO, TeO2, TeO3 एट्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स इसमें पॉसिबल होते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि SO2 जो है एक गैस है, SO3 भी गैस है, तो SO2 का एक एंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपको ज़रूर स्टडी कर लेना है। तो यहाँ पे ये बना रखा है सल्फर का इस टाइप से, और इसमें एक लोन पेयर भी होता है, तो एक लोन पेयर और ये दो जो इसमें एटम्स लगे हैं ऑक्सीजन दोनों साइड डबल बॉन्ड से, तो ये 3 के हिसाब से इसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए SP2। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि दोनों तरफ डबल बॉन्ड कैसे पॉसिबल हो पाया है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि ये सिंगल जो बॉन्ड होता है वो तो सिग्मा ही होता है, इधर भी जो एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा ही होगा, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, तो वो पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड। तो पी पाई बॉन्ड दूसरी साइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही पी पाई बॉन्ड यहाँ पर बन पाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बना के देखेंगे। तो इसमें सल्फर के आपको याद रखना है कि डी ऑर्बिटल भी होते हैं जो इसके पी ऑर्बिटल से डी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये इस तरह का इसका ये नोट कर लेना है, जो बच्चे ज़्यादातर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनको ये चीज़ जरूर समझ लेनी है, अदरवाइज आप सिर्फ स्ट्रक्चर लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है उसमें क्या होगा कि ये डी पाई पी पाई मैं इस साइड बना दूंगा और पी पाई जो है वो इस साइड बना देंगे, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पाई बॉन्ड के हैं वो दोनों साइड रेजोनेट करते हैं और बॉन्ड लेंथ इक्वली रहती है, तो बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री का रहता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें खास तौर से ये नई बात थी आपके लिए कि डी पाई पी पाई बॉन्ड वो डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करके बनता है, तो ये आपको जरूर लर्न कर लेना है।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड में हम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये कुछ ऑक्सो एसिड यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके नेम आपको ज़रा नोट कर लेने हैं और फार्मूला भी। तो फर्स्ट हमने लिखा है सल्फ्यूरस एसिड जो H2SO3 है, और सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये मोस्ट कॉमन है तो इसका फार्मूला आपको पता है H2SO4, और थर्ड है डाई, ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें एक ऑक्सीन की जगह पर सल्फर लगाया हुआ है तो H2S2O3 बनता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और जो फोर्थ है वो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, मोनो वर्ड ध्यान रखना है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को कैरोज एसिड ही बोलते हैं, इसी में एक ऑक्सीन एक्स्ट्रा किया हुआ है H2SO5 हो जाता है ये, और फिफ्थ है परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये H2S2O8 है, और आगे डाई थायोनिक एसिड है H2S2O6 है ये, और डाईसल्फ्यूरिक एसिड इसको पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं सेवन नंबर पे, तो ये H2S2O7 है, इसका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में कई बार आया है, तो ये आप अभी नेम नोट कर लीजिए, फिर इनके स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, इस तरह से टेट्राहेड्रल बनाया है कि सल्फर के साथ दो ऑक्सीन डबल बॉन्ड से और दो OH ग्रुप लगे हैं, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, H2 है और S जो है वो 4 है, तो उसका स्ट्रक्चर है। तो इसी को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पर ऐसे ही लगा रहा हूँ नीचे की तरफ टेट्राहेड्रल शेप में, और यहाँ पर एक लोन पेयर लगाया है उस ऑक्सीन की जगह पे, तो एक ऑक्सीन कम हो गया है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, H2SO3 का, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये इसी में क्या करते हैं, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो इस टाइप से ये एक OH और किसी भी जगह पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आप एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये H2SO5 का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कैरो एसिड आपने पढ़ा था। और एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहीं पर, कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन की जगह पे हम क्या कर देते हैं, एक सल्फर लगा देते हैं ऐसे डबल बॉन्ड से, और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रखते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये किसका बना है, H2S2O3, तो ये स्ट्रक्चर भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको करने हैं, और बाकी के स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर में हम आगे देखते हैं H2S2O7, जिसे डाईसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको मैं आपके सामने बना देता हूँ इस टाइप से, जैसे दो सल्फ्यूरिक एसिड जुड़े हों, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये एक O इधर भी और एक OH, यही चीज़ हम इधर बना देते हैं, यहाँ पर एक OH और इस टाइप से ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, तो ये जो है H2S2O7 का स्ट्रक्चर है। H2 है और S तो 2 है ही, और O7 1 2 3 इधर भी गए और 3 उधर हैं, और 6 हो गए तो एक बीच में है इस टाइप से। तो इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बना सकते हैं H2S2O6। तो H2S2O7 बनाकर जब आप H2S2O6 बनाएंगे, तो जस्ट एक ऑक्सीजन कम करनी है, तो कौन सी करनी है, बीच वाली। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली आप ड्रा कर सकते हैं इस टाइप से, ये OH और ये O, बाकी सारा सेम ही रहेगा, बीच वाली ऑक्सीजन आपने ऐसे रिमूव कर दी है इस टाइप से, तो ये स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से बन जाएगा H2S2O6। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर लर्न कर लिया है तो ये भी इजीली हो सकता है। तो आगे एक और स्ट्रक्चर रह गया है, वो बना देते हैं H2S2O8। तो O8 में क्या करना है, वो भी आपको इससे कंपैरिजन करना है, यहाँ बीच में आपको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगानी है, तो वो कैसे लगाएंगे, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देंगे, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा इस टाइप से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये OH हो गया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस टाइप से, तो ये बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इस ऑक्सीजन की जगह पे दो आ गई हैं। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिकली इनको स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, H2S2O7 और ये O6 हैं और ये O8 हैं, और जो पहले ड्रा किए थे, तो सभी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर आपको अपनी नोटबुक पे ड्रा कर लेने हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि हर ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंटली बिहेव करता है, तो ऐसा किस लिए होता है, तो वो आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं जो पहले की तरह ही हैं, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, एंड सेकंड पॉइंट है ड्यू टू इट्स हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कि इसका साइज स्मॉल है तो आयनेशन एंथैल्पी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा ही होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर भी ऑक्सीजन की ही सबसे ज़्यादा है, इनके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। तो आपको पता है कि सल्फर के लास्ट शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट सल्फर के तो हैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये आपको ध्यान से नोट करना है। तो ये तो वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि क्या क्या पॉइंट्स डिफरेंट हैं। तो सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से गैसियस स्टेट में और डायटोमिक स्टेट में होती है, और बाकी ऑक्टाटोमिक होते हैं, जैसे सल्फर ऑक्टाटोमिक होता है, और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट भी आपको ध्यान रखनी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेनली क्या होती है, -2, और बाकी एलिमेंट आपने देखा है कि वो +2 +4 +6 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो किसकी वजह से कर पाते हैं, डी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो बाकी के पॉइंट्स जो डिफरेंस के हैं ऑक्सीजन के बाकी सभी ग्रुप के मेंबर से वो आगे देखते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में आगे आपको थर्ड पॉइंट देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे वाटर में होती है, लेकिन जो बाकी के इस तरह के कंपाउंड हैं दूसरे एलिमेंट के, जैसे H2S, H2SE, H2TE, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, तभी तो रूम टेम्परेचर पर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है और ये बाकी सब जो होते हैं गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार आया है, वही वाटर इज लिक्विड बट H2S इज गैस, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला रीजन ही आपको देना है। और लार्ज साइज के केसेस में, जब एटम लार्ज साइज का होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान से नोट करना है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, मैग्नेटिक नेचर के बारे में है। आपको पता है कि जो O2 जो है वो क्या है, वो पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरा मैग्नेटिक का मतलब है कि में क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का रहता है। लेकिन जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो वो डायमैग्नेटिक कैसे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैसे हो जाती है, देखिए ऑक्सीजन में तो अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं जो +1 में सीखा था, तो वहां पे आपको इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। अगर आप सल्फर का भी ऐसे बनाएं तो उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन सल्फर S2 की बजाय अगर उसमें S2 और जुड़ जाएं, और यहाँ पर फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, तो S4 नहीं होता सल्फर तो, बल्कि क्या होता है S8 होता है, तो 4 पर ही पेयरिंग हो जाती है और 8 पर तो पेयरिंग रहेगी ही। तो सल्फर जो है या बाकी सब एलिमेंट्स ऑक्टा एटॉमिक होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, इसलिए वो डायमैग्नेटिक रहता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि सल्फर जो है दैट इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि सल्फर को अगर गैसियस स्टेट में रखा जाए तो वो सल्फर S2 की फॉर्म में, और वो जस्ट लाइक ऑक्सीजन हो जाती है, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक हो जाती है। लेकिन सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सल्फर जो है S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, तो इस तरह से वो डायमैग्नेटिक रहती है। तो ये तो जब आप क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। अभी तो आपको इतना लर्न करना है कि ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये पैरामैग्नेटिक है, और बाकी सब जो हैं वो क्या हैं, डायमैग्नेटिक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और एक है लास्ट पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है आपने देखा है कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो एक सिग्मा होता है ये क्या होता है, दूसरा पाई होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, P पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो ये जो टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ये स्मॉल एटम में ही हो सकती है, जो लार्ज साइज
एटम हैं उनमें तो ये सब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पी जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, और साइडवेज ओवरलैपिंग जो है वो बहुत दूर से नहीं होती है लार्ज साइज के एटम्स में। तो इसलिए ऑक्सीजन की ही टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की और बाकी एलिमेंट्स की नहीं। तो इस तरह से ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर जो है आपको ज़रूर लर्न कर लेना है। 16 ग्रुप के एंड में आपको देखना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसको भी आपको ब्रीफली स्टडी कर लेना है। एक आपको ये लर्न करना है कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस, काफ़ी डिटेल इसकी आपको बुक में मिल जाएगी। तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो MCQ में ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाया जाता है, तो उसका आंसर होता है H2SO4। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको जरूर लर्न कर लेने हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड से स्टार्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मींस इसमें हीट इवॉल्व होती है, और SO3 जो है उसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसमें H2S2O7 एक कंपाउंड बनता है। तो ये जो है यहाँ पर इसको ओलियम बोलते हैं। तो ये ओलियम का फार्मूला क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी आपने अभी स्टडी किया था, और इसकी डिल्यूशन से फिर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है एक इंडस्ट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंस ये प्रोसेस रखती है, तो इसको आपको देख लेना है और ये 3 स्टेप्स जो हैं इसके वो लर्न कर लेने हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लें 2-3 बार, तो इसमें आप देख सकते हैं कि OH से और HO से, इस तरह से O किसी दूसरे मॉलिक्यूल के H से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स के क्लोज आते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से की वजह से, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है और ये थोड़ा हाईली विस्कस होता है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड को डिल्यूट करना हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें वाटर ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, तो डिल्यूट करने के लिए वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके यूजेस वगैरह भी आपको जस्ट रीड कर लेने हैं कि ये फर्टिलाइजर्स में, डाइज में, ड्रग्स में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग वगैरह में, मेटलर्जी में इसका यूज़ रहता है, और एक मेन यूज़ इसका लेड स्टोरेज बैटरी में, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते ही हैं। और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, लैब एजेंट भी होता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेज़ वगैरह को आपको लर्न कर लेना है।